हेलो दोस्तों, दिस इज मोटर फार्म इनसे मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो ये है लॉकडाउन खुलने के बाद भाई मेरे पास आई इंटरसेप्टर। बेसिकली क्या हुआ था, ये पहले मेरे पास आते हैं कहते हैं भाई बैटरी डाउन हो गई है, घर पे खड़ी बाइक ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा भाई बैटरी चार्ज कर लो। उन्होंने कहा कैसे भाई बैटरी खोल के लाया। मैंने कहा नहीं भाई इन्वर्टर से चार्ज करो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप भी देखना वो बना रखी है। बट इन्होंने क्या करा, सेम वैसे इन्वर्टर से चार्ज करो, बैटरी तो चार्ज हो गई बट उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई बैटरी भी चार्ज नहीं हुई। मैंने कहा भाई लेके आओ। तो जब अब मेरे पास बाइक लेके आया, धक्का मार के मतलब धक्का ही मार के लानी पड़ी। तो भाई मैंने देखा, मैंने सेल्फ मारा तो इसका मतलब बैटरी चार्ज है। क्या हुआ इसके अंदर, मगर स्टार्ट नहीं हो रही, आप देख सकते हो नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको निकाल के देखेंगे स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों वीडियो बहुत काम की आपके, देखना जरूर और पास आओ, देखो देखेंगे स्पार्क प्लग में करंट आ ही नहीं रहे। तो भाई अब सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसके फ्यूज चेक करेंगे और उसके लिए साइड पैनल खोलेंगे, सीट खोलेंगे, फ्यूज के टाइम, क्योंकि उनसे जब मैंने जिक्र किया वो कह रहे भाई इससे पहले बिल्कुल सही खड़ी की थी, लॉकडाउन के टाइम ही कुछ ऐसा हुआ है, मतलब लॉकडाउन लगा उसके बाद बैटरी डाउन हो, मतलब सेल्फ नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या हुआ है, तो ये हटा लेते टूल किट, यहाँ पे फ्यूज चेक कर लेते हैं। तो ये फ्यूज देख लेंगे। तो जैसे आप फ्यूज के ना आप कैप खोलोगे तो यहाँ बहुत से यहाँ लिख रहा था, किसी के ऊपर लिखा रहता है। तो यहाँ आप देखोगे जैसे अल्टरनेटर का 30 एम्पीयर है, मेन फ्यूज 30 एम्पीयर है, ईएफआई का 15 एम्पीयर है, इंडिकेटर का 10 है, हॉर्न का 10 है, लाइटनिंग का 15 है, एसएसएल, इन सबके सबके फ्यूज के नंबर वाइज होते हैं ये सारे, ठीक है ना। तो आप देखोगे, अब ये मत सोचो यहाँ से स्टार्ट है, ये अल्टरनेटर यहाँ स्टार्ट है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट है। तो अल्टरनेटर मेन ईएफआई हमारे ऊपर तीन काम के, क्योंकि बाकी इंडिकेटर भी हॉर्न सब कुछ काम है तो कर रहा है हमारा, तो ये चीज़ नहीं चेक करेंगे हम ऊपर के, तीन चेक करेंगे फ्यूज। तो निकाल लेते हैं भाई तीनों के तीनों, देखिए अल्टरनेटर का कोई मतलब नहीं, फिर भी हम चेक कर लेंगे स्टार्टिंग के। तीनों के तीनों भाई फ्यूज बिल्कुल सही है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो हम वापसी एज इट इज लगा देंगे, अगर भूल भी जाए तो याद, इसमें आप देख सकते हो कितने नंबर क्या है। तो भाई एक बार बैटरी और खोल के देखते हैं ऐसा क्या हुआ इसके अंदर। बैटरी के लिए भाई हमें टूल बॉक्स का कवर खोलना पड़ेगा। ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो भाई देखते हैं ना क्या है। तो बैटरी तो यहाँ पे, ओहो भाई ये देखो, ये हमारा रोल ओवर सेंसर जो है, ये अच्छा निकालते हुए इनसे यहाँ से टूट गया है ये। तो दोस्तों पास से देखा है, बेसिकली ये ना सीधा होना चाहिए, रोल ओवर सेंसर का काम यही है कि यहीं पर होना चाहिए, और अभी क्या था ये ऐसे गिरा हुआ था यहाँ पर, तो इसको लग रहा था भाई गिरी हुई है। आपको दिखाना चाहिए, अगर हम इसको सीधा पकड़ेंगे यहाँ प्लग का, स्पार्क प्लग का करंट दिखाते हैं। चाबी लगाना ऊपर, चाबी सेल्फ मारो, स्टार्ट हो जाएगी फ्रंट सिलेंडर से, मारो आ रहा भाई करंट, मेरे करंट भी लग गया भाई हल्का सा। अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, रोल ओवर सेंसर का काम ही होता है उसको यहाँ इंग्लिश ऑन करना, स्टार्ट करते हैं, परफेक्ट स्टार्ट हो रही है। बट जैसे ही ये गिरेगा या बाइक गिरेगी ऐसे, अब क्या होगा थोड़े टाइम बाद बंद हो जाएगी, देखना हो गई बंद, अब ये स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट कब होगी, इंग्लिश ऑफ करें, इसको सीधा करें। इसके अंदर बेसिकली एक बॉल होती है जो सेंस करती है कि बाइक अगर टिल्ट हो जाए, गिर जाए, तो इंग्लिश ऑफ कर देती है, क्योंकि फ्यूल पंप पेट्रोल भी गिर जाता है, आग ना लग जाए, इसलिए रोल ओवर सेंसर होता है। इनकेस बाइक ओवर गिर जाए तो वहां बाइक इंजन कट ऑफ हो जाए, करंट नहीं आएगा स्पार्क प्लग के अंदर, स्पार्क प्लग के अंदर करंट नहीं आएगा तो आग लगने कोई चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या, ये तो टूट चुका है हमारे पास, तो कुछ जुगाड़ इसका बनाना पड़ेगा। काय क्या लगा, क्योंकि यहाँ जो आप देख सकते हो प्लास्टिक का ही टूट चुका है इसका कैप। इन्होंने क्या होगा, सर ने जल ना, ये यहाँ पे होता है इस तरीके से, ये ऐसा लगा होता है, तो बैटरी निकाली कुछ होगी तो ये टूट गया। तो मैनुफैक्चर से तो भाई मैं मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि इसको जगह चेंज करो यहाँ से, ये इसको जुगाड़ कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा यार, ताकि ये सीधा रहे। तुम कहाँ जा रहे हो भाई, हम यहाँ पे भी एक पत्ती ऐसे बना के लगा, तुम तो पीछे जाओ, ये जो बोल्ट है ना पीछे, तो यहाँ मरगाड़ के एक पत्ती एल टाइप की बना के हम इसको यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ थी, यहाँ
हम इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, बट इशू यह है कि हमें इस पर ना रबर माउंट चाहिए चाहिए, क्योंकि ये ना भाई इसमें एक रबर माउंट होता है, तो पत्ती हमें उस हिसाब से बनानी पड़ेगी ताकि वाइब्रेशन ना आए। तो हो सकता है इसी को भी बैंड कर सकते हैं हम, देखते हैं क्या करना है। तो भाई इसको ना हम यहाँ पे इस तरीके से पत्ती लगाएं कुछ आई टाइप की, यहाँ सीधा रहे ये इस तरीके से, तो एक पत्ती बनाते हैं कोई, तो पत्ती हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये इतनी बड़ी चाहिए। बनाते हैं कुछ पत्ती। तो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इंडिकेटर फ्लैश वाली जो पत्ती होती है, आप अगर आप ध्यान से देखोगे ना जो इसकी पत्ती है उसकी थिकनेस दोनों की सेम है, हल्की सी आपको थोड़ी कमज़ोर लगेगी क्योंकि ये लाइट कलर और ये वरना बिल्कुल सेम है, मजबूत पत्ती है, मुड़ेगी भी नहीं है, ठीक है, पत्ती मजबूत है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें इसको सीधा करना है और यहाँ पे इसके नाप का एक होल करेंगे ताकि हमारा इस तरीके से कहाँ आ रहा है, ठीक है, इसका पंच लगा लेते हैं एक, उसके बाद ड्रिल कर लेते हैं इस पर, यहाँ से लगाएंगे हम इसे, तो हमें इस एरिया में चाहिए तो एक पंच का निशान ताकि ड्रिल हमारे स्लिप ना करे। भाई पहले ये वाला बोल्ट खोल लेते हैं, क्योंकि हमें इसी बोल्ट में लगाना है ये, आप मरगार्ड और चेसी जो है ना इसके बीच में लगाएंगे, ये इस तरीके से आ जाएगी। तो बस उससे पहले हमें ये देखना है हमारा जो रोल ओवर सेंसर है वो ऊपर लगेगा, ऊपर तो भी लग सकता है, नीचे लगा देंगे, नीचे ज़्यादा अच्छा है परसा ना, फिर वो क्योंकि इसकी सीट की वायर आती है तो उसको नीचे से लगाते हैं, यहाँ पहले इसको टाइट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो उसको इस तरीके से भाई पहले बोल्ट वार्सल, एक बड़ी वार्सल ताकि निकले ना भोगली, और इसको कर देते हैं टाइट, या समथिंग लाइक दैट। इसमें ये देखना टाइट करने के बाद कि थोड़ा बहुत लूज रहे, कहाँ है तुम्हें लंकी, यहाँ पे है लंकी, इसको फुल टाइट करना है, तुम कहीं मत जाओ, ये आ गया, ठीक। उसके बाद ये देखो इसमें ना रबर बुश का काम करते हैं, बोल टाइट है, ये थोड़ा सा वाइब्रेशन इसका ताकि अंदर जो गोली है इसके तो वो हमारे बाउंस ना हो जाएगा। ओहो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट फिटिंग, तो सर इसको बेंड करना पड़ेगा समथिंग लाइक दैट, और इसको कर देंगे इस तरीके से, ठीक। तो उसको बोल टाइट कर लेते हैं, बोल्ट डालेंगे पीछे से, ये देखो आपने क्या करा है, मैंने समझ गए ना, इसको इसके पीछे ले लिया दोनों के बीच में, अभी कर देंगे यहाँ टाइट, फुल पावर से टाइट करेंगे, अब ये हमारा बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके रबर माउंट भी बिल्कुल सही है, जो रबर माउंट में कुशन काम करता है वो भी बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक। एक इसमें और होल होती है ताकि इधर उधर ना घूमे, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये लेफ्ट राइट भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फिट कर ले रहे हैं सब कुछ, दोस्तों यही है भाई कि छोटी छोटी चीज़ होती है ये, देखिए जैसे इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं थी, बाइक की कोई कमी नहीं थी, बट भाई से थोड़ा लापरवाही की वजह से ये टूट गया रोल ओवर सेंसर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई, बट इस चीज़ को बहुत बड़ी कमी भी बन सकती थी कि अगर नॉलेज नहीं होती किसी को तो पागल ही बना दिया जाता है। तो बढ़िया तरीके से अब ये हो चुका है, इसको लगा लेते हैं साइड पैनल भी, और सीट लगाते हैं, करके दिखाता हूँ मैं आपको स्टार्ट, लग जाओ हो गई, तो अब कर लेते हैं भाई इसको स्टार्ट, दिखाता हूँ भाई ये बिल्कुल परफेक्ट,
रोल ओवर सेंसर का काम ही दोस्तों ये होता है जब बाइक टिल्ट हो एग्जॉस्ट से ज्यादा, जब आप एक चलाते हुए जो टिल्ट होती है वो एक अलग चीज, जब गिर जाएगी उसके कुछ सेकंड बाद बाइक ऑफ हो जाएगी, उसके बाद क्या जब आप सीधी कर लोगे जब भी ऑन नहीं होगी, आपको इग्निशन ऑफ करने के बाद 5 सेकंड बाद ही ऑन करना पड़ेगा जब ये स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी बाइक गिर गई आपने स्विच ऑफ नहीं किया, सीधा सेल्फ मारते जब भी स्टार्ट नहीं होगी, इससे जो लगेगा वो गिरी हुई बाइक है, बहुत ही गिरी हुई बाइक है, इस तरीके से लगेगा। तो अभी देखा इसमें बाइक की कोई कमी नहीं थी, लॉकडाउन की कोई कमी नहीं थी, कमी थोड़े क्लाइंट की थी, उन्होंने बैठे निकालते हुए टूट गया होगा, छोटा सा नक्का दे रखा है, मैन्युफैक्चरर कहूँ इस चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वहाँ पे मतलब बैटरी तो निकालने लगानी पड़ती है, वहाँ पे टूट ही जाता है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, तो किसी कमी नहीं थी, ये वक्त की कमी थी कि वक्त को ये सब कराना था, और कोई बात नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बाकी यही है भाई, आप जो ऐसी छोटी छोटी वीडियो नॉलेज लाते रहूँगा ताकि आप लोगों को पागल ना बनाए बस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इंतजार करेंगे वीडियोस का, मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोस के साथ, तब भी सेफ राइड सेफ ड्राइव सेफ।